नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तहसील के केवड़िया गांव में आज सरदार सरोवर नर्मदा निगम एवं नायब कलेक्टर और बटेदार कचहरी के कुछ अधिकारी पुलिस बंदोबस्त के साथ फेंसिंग की कामगिरी करने के लिए आए थे। कामगिरी के दौरान गांव के लोग और अधिकारियों के बीच में बहुत देर तक बहस हुई। हालांकि पिछले 10 दिनों से फेंसिंग की कामगिरी को लेकर काफ़ी विरोध यहां देखने को मिला है और ये मामला राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक भी पहुंचा है। इसके बावजूद भी इसका सही निराकरण न होने के कारण बार बार यहां पर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं, जिसके कारण नर्मदा पुलिस भी बार बार हैरान हो रही है। गांव के लोगों का कहना है कि फेंसिंग की कामगिरी कराने के लिए अधिकारी किसकी अनुमति से आए हैं और काम करा रहे हैं, लेकिन अधिकारी यहां पर कुछ भी बताने को मना कर रहे हैं और जब भी मामला गर्मा जाता है तब अधिकारी छोड़कर भाग जाते हैं और मीडिया के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है और पुलिस को आगे करते हैं, जिसके कारण बार बार यहां पर पुलिस और गांव के लोगों के बीच में बहस होती देखने को मिली है। पिछले 10 दिनों से यहां यही प्रकरण चल रहा है। इन समस्याओं का कोई योग्य निराकरण अभी तक नहीं आया है। इसे कामगिरी को लेकर गांव के लोगों का क्या कहना है वह सुनिए। गुजरात नर्मदा से गौतम भाई व्यास की एक रिपोर्ट। સંપાદન જમીન કરી દીધેલી છે અને આ સરકાર આજે 8 વાગ્યાનો બૂમા પાડું છું, 500 થી 7000 પુલિસ છે અહીંયા, એ પુલિસ અમને ધમકી આપે છે, એટલી બધી મારે આત્મા વિલંબ કરવો છે, લાવો પૈણી બરાબર, અને મારે મળી જવું છે, મારા 70-80 માણસ નું કુટુંબ છે, મારા 5 બાપ દાદા નું કુટુંબ છે, પ્રભુત એક વર્ષ આ જમીન ઉપર જીવીને મળી ગયો, આજે અનાળથી અમે જીવતા આવ્યા છે અને આ આટલો બધો શા માટે હેરાનગતિ કરે છે, આ પુલિસ મને આત્મા વિલંબ કરી લેવો છે, હું બધાની વચમાં મળી જવા તૈયાર છું, મને ભણી લાવો, કેરસન લાવો, મારે મળી જવું છે અને આખા વિદેશમાં જણાવો કે મારું નામ નટવરભાઈ કાંતિભાઈ પ્રભુતજના દીકરાનો દીકરો, ચોથી પેઢીનો દીકરો, ચોથી પેઢી સુધી અહીંયા કશું નથી કર્યું, ચોથી પેઢી એ સામાજિક આટલું બધું કરે છે, અમને મારી નાખવાના ધંધા કર્યા છે।